क्या बात है। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। हम सब भी यहाँ पे जो है ना मज़े में हैं। तो आज जो है ना मैं आपके साथ अपनी समर की मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग का जो होता है ना टाइम, आप कुछ भी कहिए, समर के टाइम पे और विंटर के टाइम में डिफरेंस तो होता ही है। विंटर के टाइम में कंबल से बाहर निकलने की जो है ना अक्सर इच्छा नहीं होती, और समर में तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी उठो और नहा धो लो, उसके बाद ही कुछ काम करो। तो बस आज को है ना मॉर्निंग उठी मैं, शॉवर एंड ऑल मैंने ले लिया, और अब जो है ना आशीष का स्कूल है, ब्रह्मावशा की तो छुट्टियां चल रही है, तो आशीष के लिए बनाऊंगी लंच बॉक्स। इसकी आपके साथ जो ना हेल्दी हेल्दी वाले लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज के लंच बॉक्स का मेन जो स्टार है वो है स्वीट पोटैटो शकरकंदी। तो शकरकंदी से जो हम मैंने बनाएंगे आशीष का स्पेशल वाला ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले तो जो है ना मैंने शकरकंदी को अच्छे से धो के, क्योंकि ये इसमें ना अच्छी खासी मिट्टी होती है, तो अच्छे से धो के मैंने जो है ना इसमें अराउंड 1 ग्लास ऑफ वाटर डाल के इसे 2 विसल दिलाने के लिए प्रेशर कुकर में रख दिया। जब तक शकरकंदी बॉइल हो रही है मैं दूध वगैरह चढ़ा दूंगी गैस पे। लंच के लिए मैंने जो है ना आज आपके साथ बिना प्याज लहसुन वाली थाली रेसिपी शेयर करने का प्लान किया है, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ साइड बाय साइड जब तक शकरकंदी को विजल्स आ जाए। यहाँ पे भिंडी मैंने धो के नैपकिन पे फैला के रख दी है सूखने के लिए, और यहाँ पे छोटी सी मैंने एक लौकी ली है जिसे जो है ना मैं इस तरीके से रफली कट कर रही हूँ। अच्छा, ड्यूरिंग समर क्या होता है ना कि मेरे किचन में तो बहुत ज़्यादा, मेरे किचन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है ना साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में तो है, बट स्टिल जो विंडो वेंटिलेशन है ना कंपेयर टू मेरे बाकी के घर किचन में थोड़ा वेंटिलेशन कम है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना लेट आफ्टरनून में जो है ना 12-1 बजे बहुत ज़्यादा सफोकेशन और गर्मी जो है ना बढ़ जाती है। तो मैं ट्राई करती हूँ मॉर्निंग आवर में ना जितने मैक्स टू मैक्स हो काम वो अपने करते जाऊँ। शकरकंदी यहाँ पे जो है ना बॉईल हो चुका है, उसे मैंने छील के और इस तरीके से जो है ना मैशर से अच्छे से मैंने मैश कर दिया, और अब मैं इसमें ना कुछ मसाले डाल रही हूँ जिसमें गया नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली है 1/2 टीस्पून के करीब, उसे जो है ना हाथों से क्रश करके इस तरीके से डाल दिया, और थोड़ा चिली फ्लेक्स डाला है मैंने लगभग 1 टीस्पून के करीब, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया भुना हुआ जीरा का पाउडर। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी कूट के डाल सकते हैं बारीक कट करके, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया, और 2 कप मैंने इसमें लिया है आटा। तो आज हम बनाएंगे शकरकंदी के पराठे जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनते हैं। 2 से 2.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाल दिया ताकि सॉफ्ट से पराठे बन के तैयार हों, और इसका जो है ना हम सॉफ्ट सा आटा गूंथ लेंगे। वैसे इसमें पानी की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, बट 1/2 चम्मच जो है ना आपको लगे तो आप लास्ट में इसमें डाल के इसका जो है ना आटा गूंथ लीजिए। अब इस आटे को जो है ना मैं थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट ढक के रख रही हूँ सेट होने के लिए, उसके बाद हम इसके बनाएंगे पराठे। तो सिंपल से स्क्वायर शेप के पराठे बना रही हूँ मैं, राउंड सी रोटी बेल ली और इस तरीके से फोल्ड करके और इसका जो है ना पराठा बना रही हूँ। अभी जो है ना इस सीज़न में शकरकंदी बहुत अच्छी वैरायटी की जो है ना आती है, शकरकंदी का फुल सीज़न है और काफ़ी हाई न्यूट्रिशियस और हेल्दी एक ऑप्शन होता है। तो आप ये पराठा बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं, गरम गरम शकरकंदी का पराठा और दही दीजिए, बच्चे जो है ना बड़े चाव से खा लेते हैं, और एक जो है ना मॉर्निंग मॉर्निंग एक हेल्दी सा ऑप्शन हो जाता है। आप सेम विधि से जैसे मैं शकरकंदी बॉयल करके और मिक्स की ना, आप बॉयल पोटैटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे भी जो है ना पराठे बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो बस पराठों को जो है ना मैंने घी डाल के अच्छे से सेक लिया, और आशीष का लंच बॉक्स मैं पैक कर दूंगी। और एक बात, अगर आप ना इस सेम पराठे में गेहूं के आटे की जगह कुट्टू का आटा या सिंगाड़े का आटा डाल के पराठे बनाते हैं, तो आपका सेम पराठा व्रत वाला पराठा भी हो जाएगा, आप व्रत में भी उसे जो है ना कंज्यूम कर सकते हैं।
आशीष के लंच बॉक्स में मैंने जो ना शक्करकंदी के पराठे रख दिए हैं, दही रख दी और कुकुम्बर मैंने कट करके डाल दिया। कुकुम्बर में मैंने नमक वगैरह नहीं डाला, अदरवाइज वो जब खाएगा ना तब तक पूरा कुकुम्बर जो ना अपना पानी रिलीज कर देगा। तो बस ये था आज का आशीष का टिफिन बॉक्स स्कूल के लिए। और अब चलते हैं हॉल में। तो हॉल में जो ना हस्बैंड ब्रह्मा वर्षा तीनों क्रिकेट के मूड में है और वर्षा बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलने जो ना लग गई है आजकल। वेरी गुड, क्या बात है, अरे वाह वाह वाह। क्या बात है, वर्षी तो बहुत अच्छा मार रही है। जस्ट मिस। तो फ्रेंड्स आपने देखा वर्षा कितने अच्छे से बैटिंग कर रही है, उसे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट आ रही है और अब जो है ना ब्रह्मा खेल रहा है। तो बस कुछ इस तरीके से जो ना हस्बैंड और मैं ट्राई करते हैं कि बच्चों को मॉर्निंग में थोड़ा सा उन्हें क्वालिटी टाइम दे दें, ज़्यादा नहीं, अगर 15-20 मिनट का जो है टाइम वो भी हम दे देना बच्चों को तो वो भी उनके लिए जो है ना मोर देन इनफ होता है। तो समर सीजन में मैं जो है ना कपड़े अपने जो धुले हुए थे ना यहाँ पे मेरे रूम की विंडो में सुखाती हूँ। उसके दो कारण है, एक तो बहुत तेज़ धूप आती है तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं और दूसरा जो ना पूरे कपड़े भरे रहते हैं ना तो रूम में भी ना ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आती तो रूम का भी जो ना टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है उससे। तो उत्तरायण के बाद जो वैसे तो साल भर इस खिड़की से अच्छी धूप आती है बट उत्तरायण के बाद जो है ना बहुत ही अच्छी तेज धूप आती है और कपड़े जो है ना बिलीव में 2 से 2.5 घंटे में अच्छे खासे सूख जाते हैं। और आज वर्षा रानी का मैंने जो है ना शैम्पू किया था तो बस उसे जो है ना उसके बाल थोड़े सुधार रही थी और जिस दिन वो शैम्पू कराती है ना उस दिन उसे ना बिल्कुल पोनी नहीं बनानी होती है, वो बोलती है बस मम्मा हाफ हेयर में छोटी सी पिन लगा दो। तो बस वर्षा को जो है ना मैंने इस तरीके से उसके हेयर्स भी सेट कर दिए और बस अब बच्चों को जो है ना ब्रेकफास्ट खिला दूंगी मैं। ब्रह्मा वर्षा दोनों का जो है ना शॉवर हो चुका है तो दोनों को जो है ना यहाँ पे पहले ब्रेकफास्ट खिला दूँ। और ये डाइनिंग टेबल की मुझे ना शीट चेंज करनी थी। तो बस अभी जो है ना ब्रह्मा वर्षा को टिफिन सॉरी ब्रेकफास्ट खिला दूँ। तो वर्षा रानी तो एज यूजल खुद से खा ही लेती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ब्रह्मा को खिलाना पड़ता है। और मैंने भी ना आज एक शक्करकंदी का पराठा खाया और बस हो गया ब्रेकफास्ट हमारा। और अब थोड़ी सी डस्टिंग एंड क्लीनिंग का काम कर लूँ। तो मेरी ये जो लैपटॉप वाली टेबल है ये काफ़ी जो है ना डस्टी सी हो चुकी थी तो मैंने सोचा इसे क्लीन कर लूँ अच्छे से। और ये लैपटॉप का स्टैंड जो मैंने ख़रीदा था ना अमेज़ोन से बहुत ही काम आ रहा है और लैपटॉप पे वर्क करते समय ना जो हम अक्सर गर्दन नीचे करते हैं ना तो वो चीज़ जो है ना आगे चल के प्रॉब्लम करती है। तो बिल्कुल आपकी गर्दन के लेवल का जो है ना लैपटॉप सेट होता है, काम करने में दिक्कत नहीं होती। और मेरी ये टेबल जो है ना मैंने ड्यूरिंग दीपावली पे ही बनवाई थी, आपको याद होगा पहले यहाँ पे प्रॉपर दूसरी एक टेबल थी तो ये मैंने फोल्डिंग टेबल जो है ना वॉल पे लगवाई है। कुछ इस तरीके से आप इसे जो ना अनफोल्ड करके रख सकते हैं तो बिल्कुल जो ना आपको रास्ता आने जाने को मिलता है और जब काम करना है तो आप इसे जो ना ओपन कर लीजिए। तो कैसा लगा आपको ये टेबल का कॉन्सेप्ट बताइएगा। बिल्कुल जैसे आप जाते हैं ना एसी टू टायर में ट्रेन में तो वहाँ पे आपको साइड में ऐसा कॉन्सेप्ट मिलता है तो बस कुछ उसी कॉन्सेप्ट की मैंने ये टेबल इस बार बनवाई है सो दैट जो है ना ये प्रॉपर प्लेस ना ले और कम प्लेस में ही ना आपका काम हो जाए। तो जब जब मुझे लैपटॉप पे काम करना होता है मैं ये टेबल ओपन कर लेती हूँ, जब मुझे काम नहीं करना होता है तो मैं इस टेबल को क्लोज कर देती हूँ तो ये वॉल से सेट हो जाती है अच्छे तरीके से। तो आप चाहे तो ये आइडिया अपने बच्चों के रूम के लिए या अपने घर में कहीं पर भी किसी कॉर्नर पर अप्लाई कर सकते हैं। और अमेज़ोन से मैंने कुछ मंगाया था तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही क्यूट सा एक डब्बा आया है जिसमें ये जो मेकअप सॉफ्ट स्पंज होते हैं ना जो ब्यूटी ब्लेंडर भी कहा जाता है इस तरीके से, तो बहुत ही प्यारा सा जो है ना ये बॉक्स आया था। इसमें जो है ना देखिए इस तरीके से बड़ी साइज़ के जो है ना 3 स्पंज हैं और छोटी छोटी साइज नहीं 3 नहीं 4 थे बड़ी साइज़ वाले
और छोटू छोटू से क्यूटी क्यूटी से इसमें जो है ना तीन और स्पंज निकले हैं और बहुत ही मुझे जो है ना अट्रैक्टिव और प्यारा सा लग रहा था। अमेजोन में डील में मुझे ये अराउंड 130 के आसपास जो है ना ये बॉक्स पड़ा, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में भी मिला और क्वालिटी भी ऐसे तो अच्छी लग रही है। लेट्स सी यूज़ करने में ज़्यादा समझ में आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट चार ब्यूटी ब्लेंडर बड़े मिले और ये छोटे आई थिंक लिप साइड्स पे और आइस के मेकअप के लिए शायद ये यूटिलाइज होंगे। मैंने पहले कभी नहीं देखे ऐसे छोटी साइज़ के, तो कभी यूज़ भी नहीं किया। अगर आपने किसी ने यूज़ किया तो प्लीज़ बताइएगा कि ये छोटे छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं फेस पे। और ये जो मिट्टी का मैं पॉट यूज़ कर रही हूँ ना, तो इसके लिए मैं ना आपको, अगर आप में से कोई लेने का प्लान कर रहे हो या यूज़ कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ। ये ना अक्सर साफ़ नहीं होता है, इसमें स्टिकी स्टिकी सी दही चिपक जाती है, तो आप इसे साफ़ कीजिए सॉल्ट से, ठीक है, नमक से, नमक डाल के और जो है इसे स्क्रबर से चला दीजिए। क्योंकि मिट्टी का पॉट है ना, आप इसे विम बार या विम लिक्विड से साफ़ करेंगे ना, तो मिट्टी कहीं ना कहीं सोप को थोड़ा बहुत अब्जर्व कर लेती है और उसमें स्मेल आ जाती है। तो आप इस तरीके से ना नमक डाल के इस मिट्टी के पॉट को अगर क्लीन करेंगे ना, तो जो स्टिकीनेस होता है ना दही का, चिपचिपा सा लास्ट में जो ना एक लेयर इसमें चिपक जाती है, तो वो नहीं होगी और बहुत ही अच्छे से जो है ना ये मिट्टी का पॉट साफ़ हो जाता है। इनफैक्ट मिट्टी का कोई भी बर्तन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसे आप नमक से साफ़ करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे से एकदम परफेक्ट वे में साफ़ होता है। आप मिट्टी के किसी भी कंटेनर में डिश वॉश होते हैं ना, सोप एंड ऑल का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। तो बस सब चलते हैं हमारे आज की स्पेशल वाली लंच थाली की तरफ, जो है बिना प्याज लहसुन वाली थाली। मेरे एक सब्सक्राइबर ने जो है ना रिक्वेस्ट की थी कि बिना प्याज लहसुन वाली रेसिपी शेयर कीजिए, तो मैंने सोचा कि बिना प्याज लहसुन वाली एक प्रॉपर थाली ही बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है ना कुकर में पहले तो लौकी डाल दी है और एक छोटी कटोरी चने की दाल मैंने भिगा के रखी थी मॉर्निंग में, वो डाल के और अराउंड 2 कप पानी डाल के इसे 3 विजल ला दी। इसमें मैंने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, नमक हल्दी कुछ भी नहीं। 3 विजल में जो है ना अच्छी खासी ये दाल और लौकी सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि चने की दाल हमने भिगा के रखी थी तो बहुत जल्दी ये गल जाती थी, कि लौकी भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसे फ्राई कर लेते हैं। और कढ़ाई में मैंने जो है ना सरसों का तेल लिया, जैसे तेल तेज़ गर्म हुआ मैंने इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, जिसे मैंने कद्दूकस करके डाल दिया। हम बिल्कुल इसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे पूरी थाली में, और बहुत ही स्वादिष्ट सी थाली बनके जो ना तैयार होती है। थोड़ा सा मैंने अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से भून लिया, उसके बाद मैंने 2 बड़ी साइज़ के टमाटर लिए थे जिसे मैंने कट करके इसमें डाल दिया। टमाटरों के ऊपर ही मैंने जो ना नमक डाल दिया, सो दैट टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, जल्दी से गल जाए। नमक को मिक्स करके मैं इसे जो ना ढक के 2 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। कुक करने के बाद जो ना देखिए अब टमाटर जो ना अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं, तो इन्हें जो ना हम इस तरीके से मैश कर लेंगे पहले तो, और उसके बाद इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पे ना 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर लिया है, 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर लिया है। नमक ऑलरेडी मैंने टमाटर में डाला था तो नमक मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। और मसालों के साथ टमाटर को आप बहुत अच्छे से भून लीजिए, जब तक पूरा इसका ऑयल देखिए इस तरीके से सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक आपको इसे जो ना अच्छे से भून लेना है। इसे भूनने के बाद हम इसमें जो है ना चने की दाल और लौकी जो हमने उबाल के रखी थी वो ऐड करेंगे, और उसे भी जो है ना 2 मिनट अच्छे से इसमें भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी जो है ना, अगर आप तुरंत ये दाल खा रहे हैं तो आप थोड़ा कम डालिए, बट अगर आप इसे 2-4 घंटे रख के बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए, क्योंकि रख के जो है ना ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो इसे ढक के मैंने जो है ना 2 से 2.5 मिनट थोड़ा पका लिया, उसके बाद मैंने इसमें डाला धनिया और 1/2 चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके। कसूरी मेथी आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही बेहतरीन सा स्वाद आता है दाल में। उसके बाद मैंने 1/2 छोटा चम्मच जो है ना गरम मसाला पाउडर डाल दिया और इसे कर लिया अच्छे से मिक्स। मिक्स करके हम इसे जो है ना 2 से 2.5 मिनट थोड़ा सा पका लेंगे, ताकि कसूरी मेथी मसालों सबका जो ना दाल में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और अब मैं ना इसे दूंगी फिर से डबल तड़का, वैसे तो ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे चाहे तो स्किप कर दे, बट अगर देंगे तो बहुत ही अच्छा सा स्वाद आता है। तो बस तड़का पैन में मैंने 2 छोटे चम्मच तेल लिया, तेल गर्म हुआ उसमें जीरा, थोड़ी हींग, 1 सूखी लाल मिर्च डाल के गैस का फ्लेम बंद कर दिया। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद उसमें जो है ना लाल मिर्च का पाउडर डाल के पूरी तड़का डाल दिया।
तैयार है हमारी टेस्टी टेस्टी वाली लौकी वाली दाल, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। बिल्कुल आपको कहीं पे भी प्याज और लहसुन की कमी महसूस नहीं होगी। और मेरे तरफ से ना मस्ट ट्राई रेसिपी, आप ज़रूर ज़रूर से ये लौकी और चना दाल एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो अब हम बनाएंगे हमारी बेसन वाली भिंडी, जिसके लिए मैंने इस तरीके से भिंडियों को कट कर लिया। देखिए इस तरीके से आपको सारी भिंडी को कट करना है। और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है और सारी भिंडियों को मैंने काट लिया। और यहाँ पर पैन में मैंने 2 टेबल स्पून बेसन लिया है, जिसे स्लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। आप बेसन जो है ना 1 टेबल स्पून ही लीजिएगा। मुझसे तो है ना मिस्टेक हो गई, मैं इस फेवर में थी कि आधा किलो भिंडी है तो मैंने 2 टेबल स्पून भर के बेसन लिया था, बट 1 टेबल स्पून ही लीजिएगा। बेसन थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा था बाद में, तो स्लो फ्लेम में मैंने बेसन को जो ना इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होते तक भून लिया। उसके बाद कढ़ाई में मैंने 4 चम्मच के करीब सरसों का तेल लिया है। जैसे ही तेल गर्म होगा मैंने इसमें डाल दिया 1/2 छोटा चम्मच जीरा, और उसके बाद मैंने इसमें डाली 1 हरी मिर्च, उसके बाद 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें हींग डाली है। क्योंकि मैं सरसों का तेल ही खाती हूँ तो मैं वही डाल रही हूँ, आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हैं आप वो तेल ले लीजिएगा। और उसके बाद जो है ना भिंडी डाल के भिंडी को जो है ना हम पहले 2 मिनट ऐसे ही चला लेंगे। ओपन पैन पे ही मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है गैस। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मसाले। तो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का पाउडर डाला, 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर और 1/2 चम्मच आमचूर का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। आमचूर आप ज़रूर डालिएगा, उससे जो है ना भिंडी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और स्लो फ्लेम पे करते हुए मैंने जो है ना मसालों को मिक्स करके और 2 मिनट अच्छे से मसालों के साथ भिंडी को भून लिया। ये भिंडी बहुत ही टेस्टी और यू नो एक अलग ही लेवल का स्वाद आता है। और बस इस स्टेज में देखिए आप जो है ना मसाले अच्छे खासे भून चुके हैं, भिंडी का मसालों का कलर जो है ना चेंज हो चुका है। और अब हम इसमें भुना हुआ ये बेसन डालेंगे। बस आप बेसन जो है ना जितना मैंने लिया उसका 1/2 लीजिएगा, बिकॉज मुझे बाद में रिग्रेट फील हो रहा था। पता नहीं संभव मेरे दिमाग में था कि मेरी 1/2 किलो भिंडी है, बट ये 1 पाव भिंडी थी, तो 1 टेबल स्पून जो है ना पर्याप्त होता है 1 पाव भिंडी के लिए। और बस बेसन डाल के मैंने जो है ना इसमें अच्छे से इसे मिक्स कर दिया। और मिक्स करके इसमें जो है ना मैंने डाल दिया थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया और स्लो फ्लेम पे जो है ना इसे थोड़ी देर हम कुक कर लेंगे। तो बस ज़्यादा नहीं, आपको 2 से 2.5 मिनट इसे स्लो फ्लेम पे रखना है ढक के, ताकि मसालों का बेसन का सारा जो है ना प्रॉपर से फ्लेवर आपस में ब्लेंड हो जाए। और बस तैयार है हमारी बेसन वाली भिंडी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इनफैक्ट इसे जो है ना ट्रैवल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल जो है ना ट्रैवल में भी ख़राब नहीं होगी। तो बस सर्व कर लेते हैं हमारी बेसन वाली भिंडी, जो कि बनके तैयार है और बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए, वैसे ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं थी, मेरी डाइट में मुझे मेरी डाइटिशियन ने इस मंथ ग्रीन लीव्स कहा है, तो मैं अपने लिए पालक बना रही हूँ, सूखी पालक, वो भी बिना प्याज और लहसुन के। तो बस पालक के लिए मैंने 1 हरी मिर्च कट कर ली और पालक है ये 2 बंच के करीब पालक थी। और इस पालक को भी जो है ना मैं बारीक बारीक पहले तो चॉप कर लूँगी। पालक को जो है ना मैंने इस तरीके से बारीक कट कर लिया। और पैन में जो है ना हम डालेंगे तेल, तो 2 छोटा चम्मच मैंने तेल डाला। जैसे तेल गर्म हुआ मैंने इसमें डाला थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी वो, और पालक। बहुत ही सिंपल सी सब्जी है और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। पालक डाल के मैंने इसमें नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, और नमक इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही जाता है, क्योंकि पालक में ना एक नेचुरल थोड़ा सॉल्ट रहता ही है और हम इसमें प्याज टमाटर वगैरह बिल्कुल नहीं डाल रहे, तो नमक ना आप थोड़ा सा सतर्क होकर डालिएगा, अदरवाइज जो है ना थोड़ी ज़्यादा नमकीन हो जाएगी आपकी ये सब्जी। तो बस इसे मैंने ना फुल फ्लेम पे ही अच्छे से भुनते हुए पका लिया और स्लो फ्लेम पे मैंने थोड़ी देर ढक के इसे कुक कर लिया। तो बस तैयार है हमारी क्विक वाली पालक की सब्जी, बिना प्याज बिना लहसुन के, बट बहुत ही टेस्टी बनती है। और अब बना लेते हैं हम रायता। तो रायता के लिए मैंने फेंटी हुई दही ली, जिसमें काला नमक, बुना हुआ जीरा, थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स कर लिया अच्छे से, और 1/2 छोटा चम्मच शक्कर। शक्कर मैं रायते में ज़रूर डालती हूँ, मुझे पर्सनली थोड़ा सा हल्का मीठा रायता बहुत पसंद है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के, बूंदी डाल के मैंने जो है इसे मिक्स कर लिया। तो बस सर्व करते हैं हमारी आज की बिना प्याज लहसुन वाली थाली, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो मैंने जो है यहाँ पे लौकी और चने दाल वाली दाल डाली, बेसन वाली भिंडी, हमारा रायता बूंदी का, और ये पालक की सूखी सब्जी, और स्टीम्ड राइस, 2 फुलके,
और हमारी सैलेड। तो बस एक मिर्ची और नींबू भी मैंने रख दिया सैलेड के लिए। तो ये थी फ्रेंड्स आज की बिना प्याज लहसुन वाली थाली, जो कि बहुत ही बनके जो ना स्वादिष्ट तैयार होती है। स्पेशली लौकी और चने की दाल तो आप ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए जब तक मैंने ना लंच बनाया, मेरे कपड़े ना अच्छे खासे सूख भी गए। 1.5 से 2 घंटे में ना कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, और गर्मियों में जो ना कपड़ों को ज़्यादा धूप में मत रखिए, अदरवाइज़ जो ना उनका कलर उड़ जाता है। तो बस मैंने जो है ना कपड़ों को यहाँ से निकाल लिया सारे कपड़ों को, सो दैट यू नो कपड़ों के रंगत जो है ना उड़ सी जाती है, स्पेशली डार्क कपड़ों की तो वाइट एंड ऑल तो इट्स फाइन, बट स्टिल लाइट शेड के कपड़े भी ज़्यादा देर धूप में नहीं रखने चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है ना हार्ड और फिर कड़क हो जाते हैं और आयरन में फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो बस देखिए कितनी तेज़ धूप आ रही है मेरी इस रूम में, इस बालकनी में। तो मैंने कपड़े वगैरह निकाल लिए और इन्हें फोल्ड कर लूँगी और थोड़ी देर जो है ना एडिटिंग का काम कर लूँगी, क्योंकि आपके पास पहुँचाना है ये टेस्टी टेस्टी वेज थाली वाला वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।